तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कौन सा है? आवर कैसोरेना ट्री, चैप्टर नंबर 5, 12th क्लास एमपी बोर्ड, जिसे कि हमारे किसने लिखा है? तोरु दत्त जी ने लिखा है। तो आवर कैसोरेना ट्री ये एक पोयम है जिसे तोरु दत्त जी ने लिखा है। इस चैप्टर में जो पॉइंट है वो ट्री की ह्यूमनाइजिंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कवि है उनके घर के गार्डन में एक कॉसोना ट्री लगा हुआ है और उस पेड़ पर सांप की तरह एक बेल लिपटी हुई है, और यहाँ पर सांप अजगर को कहा गया है। कैसोरेना ट्री बहुत बड़ा था, इसी कारण उसके आसपास कोई दूसरा पेड़ उग ही नहीं सका। जो पॉइंट है वो उनके बचपन में उस पेड़ के आसपास खेलती थी और अपने भाई बहन के साथ खेला करती थी और उस टाइम को मेमोराइज़ करती हैं। तो जो चैप्टर है उस स्टार्ट होता है, उनके बाग या बगीचे में कैसोरेना नाम का एक ट्री है, वो बहुत ऊंचा है और मजबूत है और सबसे बड़ी पेड़ में से एक है, सबसे बड़े पेड़ों में से एक है, और उस पेड़ पर एक बेल बहुत टाइटली लिपटी हुई है बिल्कुल किसी अजगर की तरह, और उसके लिपटने के कारण उस पेड़ पर बड़े घाव से बन गए थे, जिसके कारण वो पेड़ का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा था? सांप की जैसा लग रहा था, और जो बेल है वो बहुत ही टाइटली उस पर लिपटी हुई थी। अगर वो बेल अगर किसी और पेड़ पर लिपटी हुई थी, अगर इस पेड़ के अलावा, तो वो पेड़ कब का मर जाता। लेकिन ये बहुत ही ब्रेव ट्री है, बेल के लिपटने से इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उस बेल को स्कार्फ की तरह ओढ़े हुए है। बेल पर डार्क रेड फ्लावर है जो कि कहीं कहीं गुच्छों में लगे हुए थे। पेड़ के ऊपर चिड़ियाँ और मधुमक्खियाँ मडराती रहती हैं और कभी कभी रात में भी भिनभिनाती या गाती हैं। जब सर्दियों में कभी अपनी खिड़की को खोलती है तो उसको सबसे पहले गार्डन में खड़ा पेड़ दिखता था, और इस सीन को देखकर वो बहुत खुश हो जाती थी, और पेड़ पर अक्सर एक ग्रे बबून यानी यहाँ बंदर को माना गया है, बैठा दिखता था, जो सूरज को उगते हुए देखता था और बिल्कुल भी नहीं हिलता है, और स्टैचू की तरह बैठा रहता, जबकि छोटे कीड़े मकोड़े और छोटे जानवर पेड़ की छांव में खेलते थे, और कुक्कू मतलब जो कोयल है वो पेड़ के लिए डाली पर बैठकर एक उसके लिए प्रभात गीत या वेलकम नोट गाती थी, मतलब जो मॉर्निंग होती थी मॉर्निंग के दर्शाने के लिए एक अपना सुंदर सा गीत गाती। यहाँ पर जो कवि है वो अपने गहरे अटैचमेंट को बताती है ट्री के साथ। वे कहती हैं कि उनका ट्री से केवल इमोशनल ही नहीं बल्कि और कारणों के कारण भी अटैचमेंट है। वह उनके भाई और बहन के साथ इसके छाव में खेला करती थी, जैसे कि अब जो उसके भाई और बहन नहीं रहे मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी, तो कैसोरेना ट्री आज भी उनकी यादों को अपने पास संभाल कर रखे हुए है। कभी इत्री जो ट्री को सच्चा कंपेनियन मानती हैं, मतलब जो पोइटेस है वो ट्री को क्या है, एक सच्चा कंपेनियन मानती हैं, और कवियत्री ने ट्री को ह्यूमनाइज्ड किया और कहा कि पेड़ हमारी और आपकी तरह खुशी और दुख को फील करता है। इस पर तर्क देते हुए वे कहती हैं कि जब उनके भाई और उनकी बहन की डेथ हुई थी तब उन्होंने पेड़ को बहुत दुख में पाया था, और ट्री को शोरो डिग्र लाइक मर्म की तरह शो करता है। जो ट्री है वो अपना जो इमोशंस है वो कैसे शो करता है, डैग लाइक मर्म की तरह। बट पोइटेस जो है बहुत सैड फील करती हैं यह सोचकर कि एक दिन ट्री मर जाएगा, यह बहुत बड़ा लॉस होगा ना केवल उनके लिए बट अदर क्रिएचर्स के लिए भी जो उनकी इसकी छांव में पतलते हैं। इसीलिए वे प्रार्थना करती हैं कि पेड़ में अमर हो जाए। वे जानती हैं कि कोई लाइफ साइकिल को चेंज नहीं कर सकता है, बट फिर भी वो ट्री के लिए विश करती हैं और चाहती हैं कि पेड़ अमर हो जाए और जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए लाइफ लॉन्ग शेल्टर प्रदान करें। और इसमें क्या है, जो पॉइंट्स है पॉइंट की जो नॉवल फीलिंग्स है उसको डिज़ायर्स को डिस्क्राइब किया गया है, और जो कवित्री हैं तोरु दत्त हैं वो अपने जो
मतलब अपने आदर प्रकट करते हैं किसके लिए, कैसेरिना ट्री के लिए और उसके डिग्निटी के लिए। थैंक यू, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।